सो हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज़ विनोद ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम हमारे खेत में, क्योंकि आज खेत को इकट्ठा करना है पूरी सरसों को, और एक जगह इकट्ठा करके फिर उसको कटवाना है। और मैं तो ये मोट बोलते हैं पल्लियाँ, उनसे इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर आ गई हमारे खेत में थ्रेसर, तो थ्रेसर स्टार्ट होते ही आवाज़ इधर की थी उधर हुई नहीं, बट हम फिर दूर आके बैठ गए, हम परेशान हो गए थे इसलिए। तो गाइस, अभी मैं आ गया खेत में, ये गेहूं के खेत है और अभी सूरज अस्त हो रहा है। इधर हम फांसे इकट्ठे करने आए थे, ये बरोटे बांध रखे हैं जिनको हम उठा के मेरी बहन ले जा रही है। उधर थ्रेसर मशीन चल रही है जो बहुत ज़्यादा खक्कड़ आ रही है। उधर देखो फांसे ले जा रही है मेरी बहन, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये कुछ गेहूं की फसल है, अभी तो खड़ी हुई है, थोड़े दिनों बाद ये पक जाएगी और फिर हम उसको काट लेंगे। और देखो गाइस, ये क्या लगा रखा है, कपड़े कपड़े जैसे जानवर होते हैं उनसे बचाने के लिए गेहूँ को। उस ट्रैक्टर ने कुछ ज़्यादा ही खक्को डाल रखी थी, तो हम तो आगे थोड़े आगे ही साइड, क्योंकि खक ज़्यादा उड़ रही है तो वो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। तो गाइस, ये देखो ये क्या है, आप कमेंट में गैस करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। और ये हमारी कोठी है जिसमें अभी एक मोटर डाल रखी है इन घर वालों ने, वैसे हमारी है बट हम दे रहे हैं क्योंकि अब हमारे कुछ काम नहीं आ रही। पहले तो इसमें इंजन था, आपको दिखाता हूँ। ये देखो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, एक बार इसकी जिरी बैठ गई थी वहीं पे, इसमें चारों तरफ माटी डाली थी हमने, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओंडा गड्ढा हुआ और एक बार ये फुल भर गई थी बिल्कुल ऊपर तक पानी से, क्योंकि इन खेतों में इतना पानी भर गया था। हमारे दादा परदादा बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया था पहले हमारे यहीं पर एक नड़ी जा रही थी। और इसका नाम आप बताना गाइस ज़रूर कमेंट में, ये क्या है क्या नहीं। तो गाइस, ये देखो हमारी घर की कोठी है, ये हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने ये बनाई थी, तो अभी तो इसमें ऐसे हम पानी नहीं लेते,